आज मैं बात करूंगा वर्ण क्या है। काखा गगा अंगा चाचा जजे इया वाला वर्ण नहीं, ये संगीत वाला वर्ण है। जैसे हिंदी भाषा में कमल क म ल वर्ण से मिलकर शब्द बनता है, वैसे ही संगीत में स्वर समूह से मिलकर बंदिश बनती है। स्वर समूह ही वर्ण है। एक बार फिर दोहराता हूँ, स्वर समूह ही वर्ण है। उदाहरण आगे दूंगा, अभी प्रकार जान लेते हैं। वर्ण चार प्रकार के होते हैं। पहला स्थाई, दूसरा आरोही, तीसरा अवरोही, चौथा संकीर्ण। स्थाई यानी एक ही स्वर कई बार आना, जैसे सा 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 रे रे रे। आरोही मतलब आरोही क्रम में, जाते क्रम में, जैसे सारे गामा पा। तीसरा अवरोही मतलब लौटते क्रम में, जैसे पामा गरे सा। चौथा संकीर्ण जिसमें तीनों मिले हों, सा 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 रे गामा पा मगरे सा। आप कोई भी गाना ले लेते हैं, उसका पोस्टमार्टम करते हैं। मेरे रश के कमल ले लेते हैं। मेरे रश के कमर गारे रे सा 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 सा, अवरोही प्लस स्थाई। गारे रे सा 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 सा, तूने पहली नजर रे मरे सनी नी दनी। संकीर्ण, जब नजर से मिलाई माँ पापा दादा दादा सा सा गा। आरोही, मजा आ गया सनी दनी दा पा सनी दा। अवरोही नीदापा अवरोही। तो अधिकतर गाने जो होते हैं वो संकीर्ण वर्ण में ही होते हैं, यानी तीनों की खिचड़ी। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।